हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक एस के। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। दोस्तों, मुद्दे की बात ये है कि MIUI 11 की ऑफिशियल डेट सामने आ चुकी है, ऑफिशियल अपडेट जो कि हमारे सभी MI के फ़ोन्स में आने वाली है। MIUI 11 की सभी की डेट्स आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले किन डिवाइसेस में अपडेट आएगी और कब आएगी। दोस्तों, सबसे पहले 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर को इन सभी डिवाइसेस में अपडेट आ जाएगी। पोको F1, Redmi K20, Redmi Y3, Redmi 7, Redmi Note 7, Redmi Note 7 S एंड Redmi Note 7 Pro सबसे पहले इन सभी डिवाइसेस में ही अपडेट आएगी, जो कि 22 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में आ जाएगी। दोस्तों, जो सेकेंडली जिन भी स्मार्टफोन्स में अपडेट आएगी और कब आएगी वो भी अब मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जो सेकेंडली अपडेट आएगी वो है 4 नवंबर से लेकर 12 नवंबर के बीच में इन सभी डिवाइस में अपडेट आ जाएगी, जो कि है Redmi K20 Pro, Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi 6A, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Redmi 5, Redmi 5A, Redmi Note 4, Redmi Y1, Redmi Y1 Lite, Redmi Y2, Redmi 4, MI Mix 2, MI Max 2। और दोस्तों, जो थर्ड अपडेट आई, जो थर्ड अपडेट सभी फोन्स में आएंगी, मतलब जो तीसरे नंबर पे फोन्स हैं जिनमें अपडेट आएगी वो हैं Redmi Note 6 Pro, Redmi 7A, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi Note 8। इन सभी डिवाइसेस में अपडेट 13 से 29 नवंबर के बीच में अपडेट आएगी, 13 से 29 नवंबर। दोस्तों, जो आखिरी में अपडेट आएगी वो है Redmi Note 8 Pro। इसमें आपको 18 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच में अपडेट आ जाएगी MIUI 11 की। दोस्तों, यही सभी डिवाइसेज हैं जिनमें MIUI 11 की अपडेट आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सभी समझ आ गया होगा कि किन किन डिवाइसेज में कब कब अपडेट आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स।